हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एयरटेल यानी कि भारतीय एयरटेल के शेयर के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि ये जो शेयर है अभी अप ट्रेंड बना रहा है या फिर डाउन ट्रेंड बना रहा है। अगर ये अप ट्रेंड बना रहा है तो कितने परसेंट तक का गेन किया है, और अगर ये डाउन ट्रेंड बना रहा है तो ये कितने परसेंट से डाउन में चल रहा है। और गाइस, हम इसके पिछले दिन का भी सेंटिमेंट मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ कि जो पिछले दिन जो है ये बुलिश बनाया था या फिर बेयरिश बनाया था। और इसके नेक्स्ट डे का भी सेंटीमेंट मैं आपके साथ क्लियर करूंगा कि जो अगले दिन है वो बेयरिश कैंडल बनाएगा या फिर बुलिश कैंडल आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो मैंने इसी तरह के और भी टॉपिक्स आपके साथ कंफर्म किया है और क्लियर किया है गाइस, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और इसी तरह के शेयर न्यूज हमेशा पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ ये 3 पॉइंट्स डिस्कस किया है। नंबर फर्स्ट है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है गाइस 15 मिनट के कैंडल के साथ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या फिर ऑप्शनल ट्रेडर्स हैं तो गाइस मैंने 15 मिनट के कैंडल के साथ आपके साथ चार्ट डिस्कस किया है। और नंबर सेकंड है, मैंने आपके साथ अगर आप मैंने 1 डे कैंडल के साथ अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं या ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपके साथ कंफर्म किया है और क्लियर किया है गाइस। और नंबर थर्ड में आप देख सकते हैं मैंने RSI और MACD आपको कंफर्म कराया है कि ये गाइस ये जो इंडिकेटर्स हैं आपको अगले दिन के सेंटिमेंट्स की काफी क्लियरली न्यूज दे सकते हैं, यानी कि अगले दिन आपको बुलिश कैंडल्स मिल सकते हैं या फिर बेयरिश कैंडल्स मिल सकते हैं, ये आपको कंफर्म करेंगे। तो गाइज मैंने ये सारे पॉइंट्स काफी क्लियरली कंफर्म किया है आपके साथ, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या फिर ऑप्शनल ट्रेडर्स हैं तो आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, जो कि मैंने 15 मिनट के कैंडल के साथ भारतीय एयरटेल का चार्ट लगा रखा है। और आप देख सकते हैं गाइज ये जो शेयर है, आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग होने के बाद उसके बाद जो है शेयर काफी क्लियरली गैप इसने फिल किया और शेयर भी काफी डाउन बनाता हुआ काफी नीचे तक ये शेयर आप देख सकते हैं ये आया है। और आप देख सकते हैं गाइस ये शेयर जो है -1.23% से डाउन भी बनाया है। अगर इसके पिछले दिन के सेंटिमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये पिछले दिन जो है काफी ही अप ये शेयर आपका बनाया था। आप देख सकते हैं क्लियरली आपको दिख रहा होगा शेयर काफी अप बनाया था। और गाइस अगर इसके पिछले दिन के सेंटिमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये पिछले दिन थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन उसके पिछले दिन 2 दिनों से लगातार अप बनाता चला आ रहा था। तो गाइस शेयर काफी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है शेयर में थोड़े अप एंड डाउन के साथ। ये मैं आपको CPR के चार्ट के अनुसार कंफर्म कराता हूँ। तो देखिए गाइस जिसने अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हुए काफी नीचे तक ये शेयर आकर क्लोजिंग किया, और यहाँ से अगर अगले दिन अप ट्रेंड बनाती है तो और भी अच्छी बात है गाइस, आप इसमें बाइंग करके काफी अच्छे पैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये अपने सपोर्ट के टारगेट्स के आप देख सकते हैं जिसने जो टारगेट्स बनाए हैं 530 के, अगर ये इसको अगले दिन ब्रेकआउट करता है तो आप इसमें बाइंग करके काफी अच्छी पैसे अर्निंग कर सकते हैं गाइस। इसका सेकंड सॉरी गाइस इसका फर्स्ट टारगेट जो हो सकता है वो आप देख सकते हैं क्लियरली आपके सामने 532 का, और गाइस नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं क्लियरली आपको सामने काफी ऊपर में जाकर इसका एक टारगेट बन रहा है आपके साथ जो 541 का क्लियरली टारगेट बन रहा है। तो आप इसमें बाइंग करके काफी अच्छी पैसे अर्निंग कर सकते हैं जब ये अपने फर्स्ट टारगेट को ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, तो काफी क्लियरली ये सिग्नल आपको प्रोवाइड करा सकता है। और अगले दिन गाइस बाई चांस आपको अगले दिन ये बेयरिश कैंडल प्रोवाइड कर दे तो आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट सपोर्ट यानी कि गाइस अगर बेयरिश के लिए अगर बात करा तो आप देख सकते हैं शॉर्ट सेलिंग करके आप इसमें पैसे अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए जो इसका फर्स्ट टारगेट बन रहा है वो 527 का क्लियरली आपके सामने टारगेट बन रहा है। और अगर आपके अगले दिन आपको बुलिश कैंडल से वापस से फिर बेयरिश कैंडल में प्रोवाइड हो तो गाइस जब तक ये अपने टारगेट को ब्रेकआउट ना करे आप इसमें शॉर्ट सेलिंग ना करें तो ज्यादा बेटर हो सकता है, क्यों गाइस हो सकते हैं इस तरह से आपको कैंडल्स मिल सकते हैं, यानी कि एक बुलिश के मिले और फिर से बेयरिश का भी मिल सकते हैं। तो उसी तरह गाइस अगर बेयरिश के मिले और बाई चांस अपने सपोर्ट को यानी कि गाइस अपने टारगेट्स को ये ब्रेकआउट ना करे और वापस से बुलिश कैंडल मिल जाए तो आप हमें ही बुरा कहेंगे। तो गाइस मैं आपको कंफर्म क्लियरली कहता हूँ जब तक ये इसको ब्रेकआउट ना करे तो अब तक आप इसमें बाइंग ना करें तो ज्यादा बेटर हो सकता है शॉर्ट सेलिंग के लिए गाइस। इस शॉर्ट सेलिंग के लिए मैं इसका सेकंड टारगेट आपको बता दूं तो ये देखिए सेकंड टारगेट जो इसका बन रहा है वो 524 का क्लियरली सेकंड टारगेट शॉर्ट सेलिंग के लिए बन रहा है। और गाइस अगर इसके बाद का टारगेट मैं आपको क्लियर करूँ तो इसका बाद का टारगेट यानी कि थर्ड टारगेट जो बन रहा है वो 521 का क्लियरली आपके सामने इसका थर्ड टारगेट कन्फर्म हो रहा है। तो गाइस आप इसमें शॉर्ट सेलिंग करके भी काफी अच्छी पैसे अर्निंग कर सकते हैं अगर आपको अगले दिन बेयरिश कैंडल देखने को मिलते हैं तो गाइस इसके लिए अगले दिन के चार्ट पे यानी कि गाइस अगले दिन के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे आपको फोकस करना बहुत ही जरूरी है, तो आप अगले दिन फोकस जरूर करें। तो गाइस अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडर्स तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, जो कि मैंने 1 डे कैंडल के साथ जो है भारतीय एयरटेल का चार्ट लगा रखा है। और गाइस आप देख सकते हैं इसने अपने सपोर्ट को टच करते हुए यानी कि गाइस इसको अचीव करते हुए इसने बेयरिश कैंडल प्रोवाइड किया है, और आपको देख सकते हैं ये जो शेयर है -1.23% से डाउन बना रहा है। और आप देख सकते हैं इसने अपने सपोर्ट को अचीव करने के बाद
सॉरी गाइस, इसने अपने सपोर्ट नहीं बल्कि इसने अपने टारगेट को अचीव करके ये ब्रेक डाउन किया है और ये बी रिस्क कैंडल आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसने अपने सपोर्ट को अचीव करने के बाद इसने आपको ट्रेंड रिवर्सल प्रोवाइड किया था और गाइस ये आप देख सकते हैं इसने अपने टारगेट को अचीव करने के बाद आपको ये बी रिस्क कैंडल प्रोवाइड किया था। हो सकता है मिल सकता है, तो फिलहाल मैं आपको ये इसका सपोर्ट्स एंड टारगेट्स क्लियर कर दूं कि अगर बाई चांस अगले दिन बी रिस्क कैंडल बनाते हैं तो इसका टारगेट सॉरी गाइस इसका सपोर्ट्स हो सकता है 520 का, जो कि इसने अचीव करने के बाद आपको ट्रेंड रिवर्सल प्रोवाइड कराया है। और गाइस इसका अगर इसको ये ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं इसका सेकंड सपोर्ट जो हो सकता है वो 500 पूरे पूरे गाइस 500 का हो सकता है अगर ये फर्स्ट को ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ता है तो। और गाइस जैसा कि मैं आप देख सकते हैं आपने ये आज काफी नीचे इसने अपने फर्स्ट टारगेट के नीचे क्लोजिंग दी है और अगर यहाँ से वापस से बाउंस बैक करता है और अप ट्रेंड बनाता है तो इसके फर्स्ट टारगेट जो हो सकते हैं वो 538 के हो सकते हैं और अगर ये इसको ब्रेकआउट करके आगे की ओर बढ़ता है तो आप देख सकते हैं इसका सेकंड टारगेट जो हो सकता है वो 551 का हो सकता है। तो गाइस मैं आपको काफी सारे इसके बीच आपके बन रहे हैं इसके टारगेट्स, तो मैं आपको एक और टारगेट्स क्लियर कर दूँ जो 576 के क्लियरली आपके सामने थर्ड टारगेट कन्फर्म हो रहा है। और गाइस अगर ये सबसे आगे मैं आपको क्लियर करूँ तो इसके अभी काफी काफी बड़े टारगेट्स जो क्लियरली आपके सामने बन रहे हैं वो फाइव सॉरी गाइस 622 के क्लियरली आपके सामने ये टारगेट बन रहे हैं अगर ये रेगुलर अप ट्रेंड बनाता है तो काफी क्लियरली और आपके सामने ही ये काफी अच्छे टारगेट्स प्रोवाइड करा सकता है और काफी अच्छी आप प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे फोकस जरूर करें, अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो आप फोकस जरूर करें। फिलहाल ये शेयर गाइस अभी आप डाउन ट्रेंड बना रहा है और आपको मैं इंडिकेटर के अनुसार कंफर्म करने वाला हूँ कि अगले दिन कौन सा सिग्नल आपको ये प्रोवाइड हो सकता है। तो गाइस अगर बात करें इंडिकेटर्स की अगले दिन हमें कौन से सिग्नल्स मिल सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने आरएसआई का इंडिकेटर लगा रखा और ये मैंने आरएसआई का ग्राफ लगाया हुआ है। गाइस आप देख सकते हैं आरएसआई जो आपको रेगुलरली और लास्ट टाइम अभी तक बाई का सिग्नल जो प्रोवाइड किया था वो 2 जुलाई को इसने बाई का सिग्नल आपको प्रोवाइड किया था और लगातार जो है गाइस अप ट्रेंड बनाते हुए ये जो आरएसआई है काफी ऊपर जा चुका है लेकिन ये अभी आपको सेल के सिग्नल की तरफ मुड़ चुका है। तो गाइस ये आपको कंफर्म तो नहीं कर पा रहा है कि ये अभी सेल का सिग्नल दे रहा है या फिर बाई का सिग्नल आपको प्रोवाइड करा रहा है, बट ये देख सकते हैं आप ये जो सिग्नल लाइन है जो आरएसआई का लाइन है वो अपने सिग्नल लेने की तरफ मुड़ चुका है और ये आपको सेल का सिग्नल प्रोवाइड कराने ही वाला है। लेकिन फिलहाल गाइस ये कंफर्म नहीं किया है इसलिए आप अगले दिन ट्रेडिंग सेशन पे फोकस जरूर करें। फिलहाल मैं आपको दूसरे कैंडल लगाकर आपको कंफर्म कराता हूँ। तो आइए गाइस देखते हैं अगर एमएसडी से अगले हमें क्या सिग्नल्स प्रोवाइड हो रहा है। तो देखिए मैंने एमएसडी लगा रखा और ये एमएसडी का मैंने ग्राफ लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं गाइस एमएसडी जो आपको लास्ट टाइम सेल का सिग्नल 1 डे कैंडल था जिसने 24 जून को प्रोवाइड कराया था और गाइस अभी आप देख सकते हैं क्लियरली आपको बाई का सिग्नल ये प्रोवाइड करा चुका है 1 डे कैंडल के साथ। 9 जुलाई को ही इसने आपको बाई का सिग्नल प्रोवाइड करा दिया। तो गाइस आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको 1 डे की जगह मैं आपको 4 आवर में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि ये क्लियरली और कंफर्म क्या सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है। तो देखिए गाइस मैंने इसे आपको 4 आवर में कन्वर्ट करके क्लियरली दिखाया और आप देख सकते हैं कि इसने आपको बाई का सिग्नल जो है 7 जुलाई को ही प्रोवाइड करा दिया और आप देख सकते हैं गाइस ये अपने सेल के सिग्नल की तरफ हल्का ही ये डाउन हुआ है लेकिन आप अभी ये क्लियरली आपको बाई का सिग्नल नहीं प्रोवाइड करा रहा है 4 आवर के कैंडल के साथ एमएसडी। लेकिन अगर कैंडल स्टिक की बात करें तो आप देख सकते हैं इसने अपने टारगेट को अचीव करने के बाद जो है 2 2 बियरिश कैंडल आपको सामने प्रोवाइड कराया और काफी क्लियरली ये सिग्नल आपको प्रोवाइड करा रहा है और एक कई डोजी टाइप कैंडल भी इसको आप कह सकते हैं थोड़े समय के लिए एक तो डोजी टाइप कैंडल भी आपको यानी कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी आपको ये प्रोवाइड करा रहा है। तो हो सकता है अगले दिन आपको फिर से बुलिश कैंडल भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि एमएसडी भी जो है अभी आपको क्लियरली बाई के सिग्नल भी प्रोवाइड करा रहा है। तो इस वीडियो में बनाने के लिए थैंक्स गाइस, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट जरूर करें। और गाइस मैं इस तरह का रेगुलर हमेशा वीडियो आपके सामने लेकर आता रहता हूँ, आपको उस वीडियो के बहुत सारे न्यूज मिल सकते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें क्योंकि गाइस हमारे लाइव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।